हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के एनालिसिस करेंगे एंड इस वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट पूरे वीक में प्लस जब मंडे वो मार्केट ओपन होगा तो किस तरीके से अपना प्राइस एक्शन पैटर्न दिखाएगा और इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स कैसे रहने वाले हैं। तो अभी जिस तरीके से इस वीक की यहाँ पे हमारी एक्सपेक्टेशन थी, ठीक है, कि ये यहाँ पे बहुत नीचे की ओर ट्रेड कर रहा है, लास्ट वीक में हमने बात किया था और यहाँ पे इस तरीके से चैनल पैटर्न में फंसा हुआ था, लेकिन गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ पे बहुत ही अच्छी रैली दी और बहुत ही अच्छे पैसे इसने बना के दिए हैं लोगों को, राइट। अभी यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से एक दोनों ओर मोमेंटम के बाद कोई भी शेयर किस तरीके से यहाँ पे साइडवेज चला जाता है या इसी रेंज के अंदर किस तरीके से बहुत ही नैरो रेंज के अंदर एक ट्रेड करने लगता है, ठीक है। ये पॉइंट्स हमारा क्लियर हो गया। अभी अगर हम लोग यहाँ से बड़े मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं या फिर कॉल बाई करके रखे हैं तो आप देख रहे होंगे कि इतनी तेज़ी के साथ आपके जो भी प्रीमियम है वो यहाँ पे, ठीक है, जा रहे होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा मोमेंटम करेगा नहीं, और बहुत ज़्यादा मोमेंटम नहीं करेगा तो आपकी जो सीई की वैल्यू है वो किसी भी और मोमेंटम नहीं करेगी और आपका जो भी प्रीमियम है आप धीरे धीरे उसे लूज़ करते रहेंगे, राइट। तो जब भी एक ब्रेकआउट का सिनारियो हो या फिर ब्रेकडाउन का सिनारियो हो तभी हमें ऐसे कोई भी सी पी में जाके फंसना चाहिए एंड उसके बाद कुछ प्रॉफिट अगर आपने यहाँ पे बाई किया था तो इन लेवल्स के आसपास कुछ प्रॉफिट आपको बुकिंग कर लेना चाहिए था। अगर आप फिर से इन लेवल के आसपास फंसे हुए हैं तो जब ये इन लेवल्स के आसपास आके यहाँ पे फिर से कुछ ब्रेकआउट दे रहा होगा या ब्रेकडाउन कर रहा होगा तब यहाँ पे हम लोग को एक बड़ी मोमेंटम मिलेगी। उसके पहले यहाँ पे मुझे कोई भी बड़ी मोमेंटम दिख नहीं रही है। अगर हम लोग यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे इसको देखेंगे तो वीकली टाइम फ्रेम पे हमारे अच्छे से पता चलेगा। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने क्या बात किया था कि अगर इसकी क्लोजिंग इस कैंडल मतलब 12,850-860 के आसपास भी होती है तो नेक्स्ट वीक के लिए हो सकता है एक वीक इसके अंदर एक दो वीक यहाँ पे ट्रैवल करें और उसके बाद ब्रेकआउट देके ऊपर क्यों निकल जाए। लेकिन अगर क्लोजिंग इसका यहाँ पे नीचे होता है, ये देखिए यहाँ पे 100% मूव किया और मोर देन 50% नीचे, ठीक है, इसने क्या किया है, क्लोजिंग किया है ऑलमोस्ट 60% के आसपास इसने क्लोजिंग किया, 100% का जो भी मूव किया था, ठीक है, उसका 60% लूज कर दिया और यहाँ पे इसने क्लोजिंग दिया है। तो ये थोड़ा सा नहीं, ये यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा नेगेटिव सिनारी हम लोग को नजर आएगा। अगर इन पॉइंट्स को मैच करेंगे तो इस तरीके से यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन थी और उसी ट्रेंड लाइन के नीचे इसने हम लोग को क्लोजिंग दिया है, राइट। अभी नेक्स्ट वीक में क्या हो सकता है, देखिए अभी बहुत ज़्यादा मोमेंटम ऑलरेडी हो चुका है तो ऐसा नहीं होगा कि नेक्स्ट वीक में आके इसको इस तरीके से ब्रेकडाउन करके ये नीचे की ओर निकल जाएगा, ना ही ऐसा होने वाला है कि नेक्स्ट वीक में इस तरीके से ब्रेकआउट देके यहाँ पे ऊपर की ओर निकल जाएगा, राइट। तो ये दोनों सिनारियो नहीं होंगे तो बचा कौन सा सिनारियो कि इसके अंदर कोई ना कोई इस चैनल के अंदर कोई ना कोई एक कैंडल बनने की प्रॉबिलिटी है। अब ये कैंडल किस ओर बनेगी ये अभी हम लोग देखेंगे, लेकिन अभी भी जो यहाँ पे इस जिस तरीके से यहाँ पे प्राइस एक्शन पैटर्न बना है लग रहा है कि नेक्स्ट वीक में इसके अंदर ही कोई ना कोई प्राइस एक्शन पैटर्न बनेगा, ठीक है। अब हो सकता है वीक के लास्ट लास्ट में अगर बहुत ज़्यादा बुलिश है तो यहाँ पे जाके क्लोजिंग हम लोग को मिल जाए या बियरिश हो रहा है तो इन लेवल्स के आसपास आके हिट करे, फिर इन लेवल्स के आसपास हिट करके क्लोजिंग मिल जाए, लेकिन अगर मोटी मोटा देखेंगे तो इसके बीच में ही कोई ना कोई प्राइस एक्शन पैटर्न बनेगा। और हो सकता है जिस अभी हम लोग यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे देखेंगे तो नीचे की ओर जो लेवल है, ठीक है, वो 12,293 मतलब 12,300 के आसपास का यहाँ पे एक लेवल है, ठीक है। अब ये लेवल इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये ब्रेकआउट लेवल है, दो वीक यहाँ पे रुका है अच्छा खासा फॉल होने के बाद, उसके बाद ये कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुआ है, राइट। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट लेवल है, तो जब भी इसके आसपास आएगा हो सकता है पहले एक दो दिन में इतना मोमेंटम ना करे, थर्ड डे आए तो यहाँ से एक बाउंस बैक मिलेगा और बाउंस बैक मिलेगा तो फिर से ये ऊपर जाएगा। और ऐसे सिनारियो में जिस तरीके से हम लोग को नज़र आ रहा है ऊपर यहाँ पे रेजिस्टेंस है, इसके बीच में और ज़्यादा नैरो करने की कोशिश करेंगे तो 12,050 से लेके यहाँ पे लगभग लगभग 13,000 के बीच में यहाँ पे 12,300 से लेके यहाँ पे ऊपर की ओर अगर हम लोग देखेंगे तो 12,900 के बीच में कहीं ना कहीं क्लोजिंग मिलने के नेक्स्ट वीक में चांसेस बन सकते हैं। कोई भी डिसीजन आपको अपने एनालिसिस के बाद में ही लेना है, याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि ये मेरी एनालिसिस है, मैं किस तरीके से इन पोजीशन को हैंडल करने वाला हूँ मुझे अच्छे से पता है, लेकिन हम लोग को सभी को यहाँ से प्राइस एक्शन पैटर्न यहाँ से पता चल सकता है। अब देखेंगे ये जो कैंडल फॉर्म हुआ है, ठीक है, अभी 3 दिन से ये फॉर्म हो रहा है, आज के दिन थोड़ा सा यहाँ पे आपको प्राइस एक्शन पैटर्न देखा होगा थोड़ा ऊपर का। नीचे की ओर सपोर्ट देख रहे हैं तो 12,000 वन डे टाइम फ्रेम पे जो दिख रहा है 12,300 के आसपास इंपॉर्टेंट सपोर्ट दिख रहा है। इस कैंडल की ओपनिंग भी इसी प्राइस के आसपास है तो जब भी ये शेयर इसके आसपास आएगा तो यहाँ से एक बाउंस बैक मिलने की प्रॉबिलिटी है। हो सकता है आने वाले समय में ये इस तरीके के चैनल पैटर्न में फंसे एंड बाद में किसी भी और ये मोमेंटम दिखाए, राइट। अब यहाँ से जिस जिस कैंडल के आसपास ये फंसा हुआ है, ठीक है, 1 आवर टाइम फ्रेम पे चलते हैं और यहाँ से हम लोग देखते हैं कि यहाँ से क्या बाइंग की प्रॉबिलिटी नज़र आ रही है,
तो आज देखेंगे तो आज के दिन यहाँ पे 12,671 का ये हाई लगा हुआ है। इसके बीच ढेर सारे कैंडल हैं, ठीक है, लगभग लगभग 4-5 कैंडल यहाँ पे बने हुए हैं। तो अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो याद रखेंगे 12,741, ठीक है, 12,741 एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है, 12,741। तो ये अगर यहाँ पे 12,680 का ब्रेकआउट देता है तो 12,750 के आसपास जा सकता है, फिर वहाँ से रिजेक्शन लगेगा। क्यों? क्योंकि इतना फॉल होने के बाद जब जैसे जैसे ही ऊपर जाएगा इसको रिजेक्शन फेस करना पड़ेगा, एंड हर रिजेक्शन पे ये प्राइस एक्शन पैटर्न बना के अगर ऊपर जाना है तो इस तरीके से जा सकता है, ठीक है। याद रखेंगे अगर ये ऊपर जाता है तो इस तरीके से वी शेप होगा, तो फिर थोड़ा और रिकवरी आएगी, एंड इस तरीके से यहाँ पे ये मोमेंटम हम लोग नेक्स्ट वीक में प्राइस एक्शन पैटर्न देख सकते हैं, राइट। अभी यहाँ पे इस कैंडल का लो अगर मार्क करेंगे 12,000 लगभग लगभग 475 के आसपास है, तो 12,475 का लेवल अगर यहाँ पे ब्रेक डाउन हो रहा होगा, ठीक है, ट्यूसडे थर्सडे या फिर मंडे के दिन, तो थोड़ा सा हम लोग को फॉल देखने को मिलेगा। और ये जो यहाँ पे ब्रेकआउट लेवल है लगभग लगभग इस कैंडल का ओपनिंग प्राइस भी जो है, ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो 12,325 का ये लेवल है जहाँ से ये फिर से सपोर्ट ले सकता है और ये ऊपर जाने की प्रॉबिलिटी, फिर यहाँ से ये बाउंस बैक देगा, फिर यहाँ पे देखेंगे किस तरीके का डब्ल्यू टाइप पैटर्न बना रहा है, तो थोड़ा और ऊपर जाएगा और इन लेवल को आ जाके हिट करेगा। हम सीधे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि मंडे के दिन किस तरीके से यहाँ पे प्राइस एक्शन पैटर्न ये दिखा सकता है। अभी चूंकि अगर आप देखेंगे तो एक दिन फॉल हुआ, दूसरे दिन फॉल हुआ, तीसरे दिन फॉल हुआ, अभी एक दो दिन से, ठीक है, आज के दिन सिर्फ यहाँ पे ये साइडवेज गया है, तो इसको बोलेंगे ट्रेंडिंग था, ठीक है। और ये एक दो दिन यहाँ पे क्या था, वोलाटाइल था, नीचे आया फिर ऊपर गया फिर इस तरीके से बहुत ज़्यादा वोलाटाइल था, ठीक है। तो आज के दिन देखेंगे यहाँ पे साइडवेज गया है, तो जब साइडवेज जा चुका है तो हो सकता है एक दो दिन और साइडवेज चला जाए, ठीक है, एंड उसके नेक्स्ट डे यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग को इन लेवल्स का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होता हुआ दिखे। अगर ये चीज़ मंडे को होता है तो इसके जो इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे, ठीक है, वो हम लोग यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। 12,675 अगर ब्रेकआउट होता है तो लगभग लगभग 12,675 ब्रेकआउट होगा तो 12,000 लगभग लगभग 740 तक का एक लेवल हम लोग ऊपर की ओर देख सकते हैं। नीचे की ओर अगर ये यहाँ पे 12,460 का ब्रेकडाउन करता है तो हम लोग नीचे की ओर जो टारगेट देख सकते हैं वो 12,400 का पहला लेवल हम लोग रखते हैं, क्योंकि एक राउंड लेवल है, और उसके बाद का जो लेवल रखते हैं 12,325 के आसपास का रखते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे ये अपना प्राइस एक्शन पैटर्न बनाएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, पसंद आई को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।